नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। सिद्धार्थनगर जिले में आज पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। व्यापारी को चाकू मारकर 2,94,000 रुपए की हुई लूट का खुलासा हुआ है। मोहाना थाना क्षेत्र के हराया जंगल से 14 जुलाई को एक व्यापारी बैग में 2,94,000 रुपया लेकर जा रहा था। घात लगाए बैठे लुटेरों ने मोटरसाइकिल लड़ाकर व्यापारी को गिरा दिया। जब व्यापारी ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने पीठ में चाकू मारकर घायल कर दिया और रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। ये घटना पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। पुलिस अधिकारियों ने इस घटना के खुलासे के लिए कई टीमें गठित की थी। आज SOG सर्विलांस और मोहाना थाना की पुलिस ने ककर हवा बाजार के कपिल वस्तु तिराहे से रात के 1 बजे गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त संदेश कुमार, हरिलाल और अनिल कुमार तीनों ही सिद्धार्थनगर जिले के हैं, जबकि मुख्य अभियुक्त बुद्देश अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इसके ऊपर मोहाना थाने में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस ने इसके पास से लूट के 50,000 रुपये, अवैध असलाह और घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। ये थाना मोहाना में 14 जुलाई को हरैया जंगल में ये एक व्यापारी के साथ शाम को लगभग 8:30 बजे लूट की घटना घटित हुई। उसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें आज SOG टीम और थाना मोहाना टीम के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम संदेश कुमार निवासी कपिल वस्तु, हीरालाल निवासी थाना चिलैया, अनिल कुमार निवासी कपिल वस्तु थाना, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से जो लूट की धनराशि 50,500 रुपये बरामद की गई है, साथ ही जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, तमंचा और 3 मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद किए गए हैं। इसमें मुख्य अभियुक्त बुद्देश उर्फ बुद्धा इस समय फरार है, इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त है बुद्देश उस शाम को इनके पास आया था। इन्होंने पहले नशा और शराब का सेवन किया, इसके बाद वो जहाँ पे घटना घटित हुई है वहाँ पे जाके वो खड़े हुए थे, और जब ये व्यापारी उस रूट से आ रहा था तो इसको रोक कर उसकी गाड़ी से अपनी गाड़ी लड़ाई, ये दोनों बाइक से 2 बाइक का इस्तेमाल किया गया था। और उस व्यापारी के पास जो बैग था इन्होंने उसे छीन के वहाँ से ये फरार हो गए। इसमें आज 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और 1 अभियुक्त इसमें फरार है। सर, एक बात आती है, जैसे ये क्या ये लोग पहली बार अपराध किए, किससे पहले भी अपराध? इसमें जो 3 व्यक्ति इस समय गिरफ्तार किए गए हैं उसमें से अभी संदेश के संबंध में आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है, बाकी हीरा और अनिल के पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त बुद्देश जिस समय फरार है, इसमें पूर्व में ही NDPS आबकारी चोरी इस तरह के मुकदमे इस पर पंजीकृत है। सर, ये जो चोरी की घटना हुई है, जो लूट की घटना हुई, ये पूर्व प्रायोजित थी या मतलब ऑन द स्पॉट सडन घटना? इनसे जो अभी तक जो गिरफ्तार अभियुक्त है इनसे जो पूछताछ में की गई है, पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि इसमें बुद्देश का एक पूर्व से ही इसका प्लान था, क्योंकि ये लोग जो इसने बातचीत करी थी इसको बताया कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे, तो इनकी पूछताछ से प्रतीत हो रहा है कि इसे पूर्व नियोजित था। इसमें अभी विवेचना प्रचलित है, जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। कोई पुरस्कार दिया जा रहा है? इसमें अभी मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी बची हुई है, इसमें हमारी टीम काम कर रही है और इतना अच्छा हम हमारी टीम काम कर रही है उसके अनुसार हम समय समय पर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।